क्या जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा वानखड़े में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाने वाला है। जी हाँ, दो मुकाबलों में भारत को हार मिली। तीसरे मुकाबले के लिए सभी फैंस को ये उम्मीद है, सभी लोगों को ये उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार फाइट बैक करेगी, टीम इंडिया इस बार रॉर करेगी। लेकिन जो खबरें हमारे पास आई है, जो सोर्सेज ने हमें बताया है, वहां से तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि जसप्रीत बुमराह को तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह लेने वाले हैं हर्षित राणा। अब हर्षित राणा, अभी तक काफी उम्मीदें ये थी कि कई बार ये कहा गया कि वो ओडीआई खेलेंगे टीम के लिए, पर वो ओडीआई नहीं खेलते हैं। कई बार कहा गया कि टी20 खेलेंगे, उनसे पहले मयंक यादव खेल लेते हैं, लेकिन हर्षित राणा टी20 में नहीं खेलते हैं। उसके बाद टीमों ने अक्सर प्लानिंग ही बना ली थी। अभी तक जब हमारी बात हुई थी मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लानिंग भी बना ली थी कि हर्षित राणा को अनकैप्ड रिटेन करने की। लेकिन अब क्या टीम इंडिया हर्षित राणा को मौका देके कैप खिलाड़ी के तौर पर बना लेगी? क्योंकि अभी तक जो सोर्स के हवाले से खबरें आई है, आपको क्लियर एंड कट बताता हूं, हर्षित राणा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले हैं। हालांकि स्क्वाड में भी अनाउंसमेंट होने वाली है उनकी जल्द ही, यानी कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि हर्षित राणा भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज की जो टेस्ट सीरीज की प्लेइंग 11 है या फिर जो स्क्वाड है उसमें उनको चुना गया है। इससे पहले हमने सुना था कि वाशिंगटन सुंदर को टीम में ऐड किया था, फिर उनको प्लेइंग 11 में जगह भी मिली क्योंकि पिच कंडीशन उस हिसाब से थी। और इस बार वानखेड़े की पिच है, यानी कि पेस बैटरी वहां पर काम आएगी और वहां एक अटैकिंग गेंदबाजी जरूरत है। हालांकि अभी तक खबरें ये थी कि बुमराह अकेले पड़ जा रहे थे गेंदबाजी करने के लिए, तो बुमराह को साथ की जरूरत थी। लेकिन यहां पर खबरें कुछ उल्टी है। खबर यह है कि हर्षित राणा टीम में आएंगे बुमराह की जगह और बुमराह को रेस्ट की दिया जाएगा, क्योंकि बुमराह को यहां बता रहे हैं कि कुछ इंजरी है या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज है, लेकिन बुमराह को यहां पर रेस्ट दे जाने की बात है और हर्षित राणा टीम में होंगे। और भारत यहां पर उम्मीद ये भी जगाई जा रही है कि तीन फास्ट बॉलरों का उतर सकता है, यानी कि यहां पर आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, ये तीन फास्ट बॉलर होंगे। और यहां पर आप देखना होगा कि जगह किसकी जाएगी, क्या वाशिंगटन सुंदर को वापस बिठाया जाएगा या फिर रविचंद्रन अश्विन को, क्योंकि काफी देखने वाली बात होगी। अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या हर्षित राणा को टीम में जगह मिलेगी बुमराह को रेस्ट करा के, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर यही आई है। अब पुष्टि इसकी करनी है हमें और अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।